गुजारिश में तीसरी बार स्क्रीन शेयर कर रहे ऋतिक और ऐश्वर्या एक और फिल्म में एक साथ करने को तैयार हो गए हैं। दोनों इस बार शेक्सपियर के एक नाटक पर आधारित फिल्म में नजर आएंगे और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। बॉलीवुड में शेक्सपियर के चहेते कौन, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये पहली फिल्म थी और तब से लेकर अब तक दोनों तीन फिल्मों में नजर आ चुके हैं। खास बात ये है कि हर फिल्म में उनकी केमिस्ट्री और बढ़ती जाती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि बच्चन बहू रोशन खानदान के खिलाफ के साथ एक और फिल्म करने जा रही है। धूम 2 की सुनहरी या जोधा अकबर की राजपूत कुमारी या फिर हालिया रिलीज गुजारिश की सूफिया, ऐश्वर्या के सभी किरदारों में लोगों ने उन्हें पसंद किया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन सभी किरदारों में ऐश्वर्या को पसंद किए जाने की एक वजह ऋतिक के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी मानी गई। हमारा दिल जो जीती। लेकिन दोनों ने एक और फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी है और ये फिल्म बना रहे हैं विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज ने अपनी अगली फिल्म के लिए दोनों से बात की है और सूत्रों के मुताबिक दोनों ने हामी भर दी है। विशाल की ये फिल्म भी शेक्सपियर के नाटक पर आधारित है। फिल्म का नाम हेलमेट है और माना जा रहा है कि शेक्सपियर सीरीज की उनकी ये आखिरी फिल्म होगी। सूत्रों के मुताबिक विशाल ने इस फिल्म में ऋतिक को डेनमार्क के राजकुमार के रोल के लिए ऑफर किया है और ऐश्वर्या उनके ऑपोजिट नजर आएंगी। ऋतिक और ऐश्वर्या ने तीन फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से खूब तालियां बटोरी हैं और गुजारिश में तो दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। जोधा अकबर में दोनों के अभिनय को काफी क्रिटिकल एक्लेम मिला था और फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले थे। हमें आना ही पड़ा, आपने हमारा दिल जो जीत लिया। हालांकि धूम 2 में ऐश्वर्या के ऋतिक के साथ किसिंग सीन्स के कारण कहा गया था कि दोनों के इस सीन से बच्चन फैमिली को एतराज है और अब दोनों फिर से स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, लेकिन सभी अटकलों को झुठलाते हुए दोनों ने एक के बाद एक धमाकेदार फिल्म दी। अब विशाल की फिल्म के लिए हामी भरकर दोनों ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि दोनों की जोड़ी बॉलीवुड में इतिहास बनाकर ही रहेगी। हालांकि विशाल ने नामों की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, पर सूत्रों के मुताबिक हेलमेट वो ऐश और ऋतिक के साथ ही बनाएंगे और विशाल दोनों को बनाने में कामयाब भी हो गए हैं। तो कीजिए थोड़ा और इंतजार दोनों की धमाकेदार परफॉर्मेंस से सजी एक और फिल्म का। एंटरटेनमेंट डेस्क, इंडिया न्यूज़।